नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इंडिया के जो लोग बाहर के देशों में जाते हैं, खास तौर से गल्फ देशों की बात करें, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत वगैरह में, तो लोगों को न्यूज़ मिलती रहती है। कुछ अनपढ़ कैटेगरी के होते हैं जिनको पता नहीं होता है पीसीआर रिपोर्ट चाहिए होती है नहीं चाहिए होती है, बंद हो गई जी, अब सीधे आप जा सकते हैं। मेरे पास भी आप लोग कमेंट करते हैं, सर कोरोना की रिपोर्ट लेके जानी होगी या पीसीआर टेस्ट करवाना होगा या ज़रूरत नहीं है, या फिर एक डोज वाला जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़ होता है। अभी आपको बताया दुबई के लिए, सब देशों के लिए भाई फ्लाइटें भी लगभग ओपन हैं, वीज़ा भी ओपन है, तो अभी आप लोग वापस जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एयरपोर्ट पर आपको अभी भी देखिए क्राइसिस चल रहा है, कोरोना का ख़त्म तो पूरा हुआ नहीं है, तो कुछ नियम बदलते रहते हैं। तो कई देशों में आप जैसे किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाता है कि आपके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं है, आप नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन आती है, पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, तो अचानक से आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहीं पे कुछ लोग घूमते हुए मिलते हैं। जी हाँ, ये एक न्यूज़ निकल के आई है, बता दूं बिहार, जी हाँ बिहार में जो हवाई अड्डा है उसके पास में आपको पता है बहुत सारे लोग जा रहे थे, कुछ के पास रिपोर्ट नहीं थी, तो वहीं पे कुछ लोग घूमते हुए उनको एक दो एजेंट मिल गए, बोला हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, बोला आ जाओ हम आपको 10 मिनट में रिपोर्ट दे देते हैं। जी हाँ, वो उनको लेके गए थे अपने ऑफिस जिनको बोल सकते हैं, या फिर उनको तो हॉस्पिटल ही बोला, वहाँ पर उनकी कोरोना की रिपोर्ट उनका जाँच हो गई, मिल गई नेगेटिव रिपोर्ट दी 2000 रुपये में। जी हाँ, जब वो रिपोर्ट लेके वापस आए तो उन रिपोर्ट को चेक किया गया तो रिपोर्ट तो नकली थी, इतना जल्दी तो कहाँ से मिल सकती है। 2000 रुपये लिया उनकी, जब जांच पता लगा कि ये रिपोर्ट कहाँ से बनाई, तब वहाँ पे रेड डाली गई उस पर, तो वो एक चश्मे की दुकान थी, न कि कोई मेडिकल सेंटर था या हॉस्पिटल था, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें चश्मे बेचे जा रहे थे और उसी पे वो लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, 2000 रुपये लेके नकली नेगेटिव रिपोर्ट सबको दे रहे थे, कोरोना का नकली सर्टिफिकेट, ये लो जी जाओ आप एयरपोर्ट पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके खिलाफ़ में पूरी जाँच में सही पाई गई, FIR करके मुकदमा दर्ज करके उनको धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। और देखिए साथ में उनके साथ ये तो हुआ ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी उनके ऊपर मुकदमा किया, क्योंकि ये एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ भी चीटिंग है, धोखाधड़ी है, क्योंकि वो तो है ही भाई, सीधा सीधा दिख ही रहा है ना कि भाई एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी तो बेचारी धोखा ही मिलेगा ना कि हाँ रिपोर्ट है ठीक है जाओ, कल को अगले जिस देश में आप जा रहे हैं जैसे दुबई में उसकी जाँच हो जाए और वो पता लगे नकली है, तो 100% मैं बता दूँ जिस फ्लाइट में आया ना वो फ्लाइट बैन कर देंगे। वो पीछे बैन की थी, आपने पता है 2 बार इंडियन फ्लाइट बैन हो चुकी है, इसका रीजन यही था कि रिपोर्ट कोरोना की नकली बताई गई या यहां से नेगेटिव था, वहां अंदर जाते पॉजिटिव हो गया तो बंदे को फ्लाइटें तक बैन कर दी। तो ऐसी चीजों से आपको भी सावधानी रखने की जरूरत है कि बाई चांस आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आपके पास वीजा टिकट सब कुछ है, अचानक आपको बोल दिया जाता है कि आप रिपोर्ट लो, पीसीआर रिपोर्ट लो, ऐसे आपको अंदर नहीं जा सकते, तो आपको या तो फ्लाइट कैंसिल करानी पड़ेगी या फिर वहीं पर एयरपोर्ट के अंदर ही आजकल सिस्टम है कि तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाती है कोरोना की, हालांकि पैसा ज़्यादा लगता है। और आजकल तो भाई रैपिड टेस्ट का भी सिस्टम चल रहा है, अंदर जाओगे रैपिड टेस्ट हो जाता है तो फिर पीसीआर रिपोर्ट को वो मान्य नहीं होती है तो भी चल जाता है, इतना बड़ा कोई इश्यू होता नहीं है। कई देश पीसीआर रिपोर्ट भी मांगते हैं, रैपिड टेस्ट भी मांगते हैं, कई देश सिर्फ रैपिड टेस्ट मांगते हैं, पीसीआर की जरूरत ही नहीं होती है, वो एयरपोर्ट में होता है, आप सबको पता है। तो इन चीज़ों को आपको सावधानी रखें, ध्यान रखें, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो इन फालतू लोगों के चक्कर में आओगे तो भाई आपको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट तो आपने ली है ना, तो कल को आपकी आपके ऊपर भी जांच हो सकती है, कुछ देखो कोई बात हो जाए या फिर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।